सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल यार यूट्यूब चैनल को, साथ में दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को और ऑल भी कर देना ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ओहोई। इस वीडियो में मैं आप सभी को ओहोयू ऐप के बारे में हर एक छोटी सी छोटी जानकारी दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर हम आएंगे, उसके बाद अहोई सर्च करेंगे। देख सकते हैं अहोई रैंडम लाइव वीडियो चैट मीट न्यू फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड मिल जाएंगे जिनके साथ जो है आप वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और इस वीडियो में तमाम जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है और काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे हमें कमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट बनाने के लिए आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करें। तो जैसे आप कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी होते हैं सभी आ जाएंगे। किसी एक ईमेल आईडी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन हमारे सामने दोबारा से ये लोडिंग का कुछ पेजेस आते हैं, तो यहाँ पे आप लोडिंग चलने देना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कहीं कहीं आपको इस वीडियो में ब्लर देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन को हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको कभी कभी वॉइस से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एज वगैरह है उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मेरा जो एज है वो 21 साल है, तो चलिए हम कर देते हैं इस पर क्लिक और हम नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आपको आपका जेंडर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर चलिए मैं एक मेल हूँ यानी कि लड़का हूँ, तो मेल। उसके बाद जीमेल आईडी में जो भी लोगो वगैरह रहेंगे वो आ जाएंगे। चाहे तो आप इसको अपनी गैलरी में जाके चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको लगा के क्रॉप कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ सेंड कर देंगे। देन यहाँ पे आपको आपका इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के लिए देते हैं, तो मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, गाड़ी, म्यूजिक, टेनिस भी है, तो चलिए हम तीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल का बैकग्राउंड वो कौन सा रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो है ये स्काई वाला काफ़ी अच्छा है, वैसे टैक वाला भी है, तो चलिए हम टैक वाला भी ले लेते हैं क्योंकि टैक तो मुझे पसंद होगा ही। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है निकनेम आ जाएंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखें। तो चलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं नीतीश, और उसके बाद हम यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे वॉइस का जो परमिशन है, जो माइक्रोफोन का परमिशन है वो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका ज़रूरत हमें पड़ने वाला है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, आपका जो फेस है वो इस अभी देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैक है वो दिख रहा है, मैं हालांकि इसको ब्लर कर दिया हूँ। ओके, मैं खुद का फेस नहीं दिखाना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर दूँ, बट यहाँ पर आपको वेट करना है और आपका जो वीडियो कॉलिंग है वो किसी के ना किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक गर्ल्स थी जिनके साथ कनेक्ट हो रहा था, बट ये भी एक गर्ल्स ही है। हाय, हेलो। तो यार यहाँ पे देख सकते हो ये जो है गर्ल्स है, और बस यहाँ पे स्क्रीन ब्लर के कारण मैं आप सभी को ज़्यादा तो नहीं दिखा पाया, बट यहाँ पे आप गर्ल्स के साथ वीडियो कॉलिंग तो कनेक्ट कर लेते हैं मात्र 10 से 20 सेकंड के लिए। ओके, 10 सेकंड के लिए, उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज का जो बटन है वो खुल जाते हैं। जब आप यहाँ पे रिचार्ज करते हो उसके बाद जो है आगे जो है आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको रिचार्ज करना चाहिए क्योंकि मैं गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ जो बहुत ही फ्री है और काफ़ी अच्छा है। मैं इस ऐप का जो है कोई भी बढ़ापा नहीं देता। ओके, मेरा काम था सिर्फ आपको अच्छे को अच्छे बताना और बुरे को बुरे बताना, वही मैं आपको बताया। आप रिचार्ज ना करो, गूगल प्ले स्टोर पर आओ, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हटाओ, लाइव टैग को डाउनलोड करो,
एवा जो फ्री वीडियो कॉलिंग ऐप है इसको डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो, और इस बेफालतू के एप्लीकेशन में आप पैसा को पे ना करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे पैसे अपना अपना जो लगा के फिर भी उनको हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने 500 रुपये इसमें डुबा लिया। तो गैस मैं तो हमेशा से बोलता रहूँगा, सच बोलता हूँ कि आपको किसी भी एप्लीकेशन में पैसे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह जो है फ्रॉड हो सकते हैं। ओके, तो बस फ्री का जो भी सॉफ्टवेयर मैंने बताया उसका इस्तेमाल करो, पैड वर्जन सॉफ्टवेयर का चक्कर छोड़ो।